अबे पागल है क्या, क्या करने जा रहा था तू? ये किस परेशानी में तू? क्यों मैंने चलाए तू? क्या करूं मैं, जिंदगी से परेशान हो गया हूं। जिंदगी जीने से अच्छा मरना आसान लग रहा है मुझे। घर वालों को इतना सभी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई है मेरी, जीने से अच्छा मर जाऊं मैं। अबे तो यार कोई नौकरी कर लेना तू, मरने क्यों चला है? यार बहुत ट्राई किया, कोई नौकरी नहीं दे रहा। सबको पढ़े लिखे लोग चाहिए और तू तो जानता ही है मुझे, मेरी पढ़ाई 10वीं में ही छूट गई थी। तो यार अपना कोई काम धंधा शुरू कर ले तू। यार उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। अबे एक काम कर, तू 5 लाख रुपए ब्याज पे ले और उसकी टैक्सी खरीद ले और अपना काम स्टार्ट कर दे। कर्जा और 5 लाख रुपए कौन देगा मुझे इतना ढेर सारा पैसा? मैं दिलाऊंगा तेरे को पैसा। बट भाई इतना कर्जा उतारूंगा कैसे मैं? अबे तू किस्तों में उतार दियो पैसा, मैं जानता हूँ एक बंदे को जो ब्याज पे पैसे देता है। चल तू मेरे साथ। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। राम राम भाई जी। हाँ भाई बैठ आ जा। भाई वो एक दोस्त को 5 लाख रुपए की जरूरत थी। क्यों चाहिए? बस वो कुछ काम शुरू करना चाहता था इसलिए चाहिए थे। 2% ब्याज लगेगा, अगर कुछ गलत हुआ तो तू तो मुझे जानता ही है। भाई जी कोई दिक्कत नहीं होगी। ले पकड़ फिर पैसे। अब तो तेरी गाड़ी आ गई, फ्री माइंड होकर काम कर। और हाँ किससे टाइम टू टाइम भरता रही हो, क्योंकि पैसा अपनी गारंटी पे दिलाया मैंने। भाई तुम्हारा एहसान ना मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मनोज की मदद से मुकुल ने आखिर अपनी परेशानियों से लड़ने की हिम्मत दिखाई। वो कहते हैं ना, डूबते को तो तिनके का सहारा ही काफी है। पूरे महीने कमाई कम ही हुई, मुकुल किस्त के पैसे भी नहीं जोड़ पाया। उधर फाइनेंसर्स मनोज को धमकाने लगे और मनोज मुकुल को। हेलो हेलो। हाँ मनोज भाई। किसके पैसे थे मुकुल? मैं थोड़ी भरूंगा तेरे पैसे। यार भाई कुछ कमाई नहीं हो रही है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। पर वो कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये है सरताज, दिल्ली में सट्टे का धंधा इसी का है। काम 2 नंबर का पर बंदा 1 नंबर का। अबे यार एक गाड़ी का पंचर भी आज ही होना था। आ रहा हूँ, चल तू फोन कर जरा। टैक्सी। अबे शालीमार गार्डन ले ले चल। चल भाई। हाँ भाई कितने पैसे हुए तेरे? 200 रुपए। अच्छा ले ऐश कर। सरताज अपना बैग टैक्सी में ही भूल गया था, जो मुकुल को मिला। सर कहाँ चले गए? बैग में 20 लाख रुपए थे। इतना पैसा देखकर मुकुल चौंक गया। इतना पैसा उसकी सब दिक्कतों को दूर कर सकता था। वो सोच में पड़ गया, वापस करे या रख ले। उसका ईमान इन पैसों से भी बड़ा था, इसलिए उसने वापस करने का फैसला किया। सर सर ये आपका बैग गाड़ी में छूट गया था। तूने देखा नहीं क्या इसमें है क्या? देखा मैंने, आपके पैसे हैं इसमें। फिर भी बेटा हाथ में आए लक्ष्मी लौटाने चला आया। तेरी ईमानदारी से मैं खुश हुआ। एक काम कर, ये पैसे तू रखो। सॉरी सर, बस मैं अपनी मेहनत के पैसे लेता हूँ। ये पैसे आपके हैं और इसे मैं नहीं ले सकता। अरे भाई अपना तो काला पैसा है, इधर से नहीं उधर से आ जाएगा। रख ले तू खुद। नहीं सर सॉरी, मैं इसे नहीं रख सकता। चल तो यही बता दे तेरे लिए क्या कर सकता हूँ मैं।
सर कोई काम धंधा दिला दो, गाड़ी की किस्तें भरनी है, ब्याज के पैसे नहीं भर पा रहा। वो फाइनेंसर रोज फोन करता है, पैसे मांगता है। सर कर्जे में डूबा हुआ हूँ, बहुत दिक्कतें हैं, इतनी हेल्प कर दो बस मेरी। मैं देखता हूँ तेरे लिए कुछ अच्छा सा काम ढूंढ के। तब तक एक काम कर, तेरे को जिसने पैसा दे रखा है उसे यहाँ बुला ले, कम से कम तेरा ब्याज ही माफ करवा दूँ, कुछ तो हेल्प मिलेगी तुझे। ठीक है सर, मैं फोन करके बुलाता हूँ। हाँ बुला। हेलो मनोज भाई, मैं आपको एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वहाँ आ सकते हो? एक भाई मिलना चाहते हैं आपसे। भाई आ गए वो। अबे तूने दिए थे पैसे इसको? हाँ। जो मुझसे लेके गया था। क्या कमाल की दुनिया है, मेरा पैसा जिसके पास गया वो आज ईमानदारी से मेरा ही पैसा मुझे लौटा रहा है। तेरा 2% का ब्याज माफ, और जब भी पैसा हो आराम से दीजिए, कोई टेंशन नहीं। 2%? भाई ने तो 5% बोला था। भाई मुझे नहीं पता, 5% ब्याज के साथ जल्दी अरेंज करके दे मुझे। ठीक है भाई। अबे मैं 2 नंबर का धंधा करता हूँ, उसके बाद भी अपने साथ वालों के साथ ईमानदारी बरतता हूँ, और तू एक ईमानदार के साथ भी धोखा कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था अगर कुछ गलत हुआ तो तू तो मुझे जानता ही है। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए खेलेंगे सबसे दुश्मन। सर अगर मेरे लिए आप कुछ करना चाहते हो ना, मेरे दोस्त को छोड़ दो। तू इसे क्यों बचा रहा है? सर एक दिन इसने मेरी जान बचाई थी, जब भी मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी जान बचाऊँ। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आज तुझे मैं सिर्फ इसकी वजह से छोड़ रहा हूँ। टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों, हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम। क्या हुआ बोलना, मैं बोल। यार मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया और फिर भी तूने मेरी जान बचा ली। अबे जिंदगी का कर्ज था मेरे दोस्त, उतारना तो भाई। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, तेरे जैसा।